हमने तो कोई गलत काम किया नहीं है, हमने तो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। और मैं क्यों उन भ्रष्टाचारियों से डरूं जो मेरी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। क्रॉस वोटिंग करने के बाद अगले दिन बजट पास होना था, फाइनेंशियल बिल है, यानी कि अगर उसमें बजट पास नहीं होता तो सरकार गिर जाती। हम अभी चर्चा ही कर रहे थे, मैं बजट का रिप्लाई देने के लिए अधिकारियों से बैठक ही कर रहा था कि टीवी में खबर चली कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने सोचा ये खबर किसने दी, मैं तो तैयारी कर रहा हूं बजट पास करने की। पता लगा जी वो खबर चल रही है सारे न्यूज चैनल कि इस्तीफा दे दिया। मैंने पहले उस बजट में जहां माताओं का, विधवाओं का, बुजुर्गों का ख्याल रखा था, उसकी पूरी तैयारी की और उसके बाद मैंने टीवी में आने में कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। और मैं इस्तीफा दूं भी क्यों, हमने तो कोई गलत काम किया नहीं है, हमने तो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। और मैं क्यों उन भ्रष्टाचारियों से डरूं जो मेरी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। इस्तीफा देने के बाद 28 तारीख को बजट प्रस्तुत हुआ, बजट पास हुआ, मेरे दिल में सुकून पहुंचा क्योंकि उस बजट में आम लोगों से जुड़ी हुई योजनाएं थी जिसका कि धरातल पर आने में आप परिणाम देखेंगे, आप अपने आप को सुखद महसूस करेंगे।